हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाने वाले हैं, और जिन लोगों को मशरूम पसंद रहता है उनको तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। तो बिल्कुल नए तरह से यहाँ पे हम कढ़ाई मशरूम बनाएंगे, जो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत बढ़िया लगता है, टेस्ट आता है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और झटपट से बनाते हैं ये कढ़ाई। तो यहाँ पे जो हम कढ़ाई मशरूम बना रहे हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे देखिए कुछ सामान मैंने ऐसे रखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। तो एक मुझे इस तरह से ये मैंने प्याज और कुछ मसाले लिए हैं, तो इसमें मैंने प्याज रफली चॉप की हुई है, और साथ ही साथ लहसुन की कली ली है, 5 से 6 लहसुन की कली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 लाल साबुत मिर्च है, और ये थोड़ी सी 5 से 6 काली मिर्च, और 2 से 3 लौंग हम यूज करेंगे, और साथ ही साथ ये टमाटर देखिए इस तरह से रफली चॉप किए हैं। तो इन सबको मिला के एक हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे, और साथ ही साथ ये देखिए इस तरह से 2 तरह से हमने प्याज काट के रखी थी, एक तो रफली चॉप की थी, और एक ये देखिए इस तरह से प्याज को हमने काट के, और ये उसके इस तरह से पेटल्स एक एक करके अलग अलग बिल्कुल कर लिए हैं, जो लेयर्स होती हैं प्याज की। और साथ ही साथ ये शिमला मिर्च भी देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमने काट के रखी हुई है, तो इनको भी हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। और जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि कढ़ाई मशरूम है, तो ये हमने मशरूम लिया हुआ है, और इस तरह से आप अपने हिसाब से पीसेज इसके कर सकते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट होता है ये, बहुत जल्दी पक जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा हम ऑयल गरम करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं गरम करना, और ये जो प्याज और शिमला मिर्च हमने लिए इनको हल्का सा बस 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा सॉटे करेंगे। तो थोड़ा ऑयल गरम करेंगे, उसमें ये प्याज डालेंगे हम, और साथ ही साथ शिमला मिर्च भी डाल देंगे, और बस 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से थोड़ा सा इसको भूनेंगे, बहुत ज्यादा नहीं हमें इनको भूनना है, और बस देखिए इतना ही हमें इसे भूनना था। और अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अलग, ये सभी चीजों को अलग एक प्लेट में पहले कर लेंगे। और अब प्याज और शिमला मिर्च तो रेडी हो गई, तो सेम पैन में ही तो ऑयल, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हल्का सा है, तो ये मशरूम हम डालेंगे, और बस 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए मशरूम को भी इसी तरह से हल्का सा बिल्कुल फ्राई करेंगे हम इसमें, एक तरह से सॉटे, बस प्याज की ही तरह हमें इसे करना है। बहुत जल्दी जब इसको हम ग्रेवी में डालते हैं, बनाते हैं किसी भी तरह से, हम सूखा बनाए तो मशरूम बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाता है, इसको पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। बस देखिए 1 से 2 मिनट के लिए इसे भी हम इसी तरह से स्टे करते हुए कर रहे हैं, और बस अब इतना ही हमें फ्राई करना है, तो इसे भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और थोड़ा सा ऑयल वापस से हमने गर्म किया है मशरूम को फ्राई करने के बाद। उसके बाद ये जो प्याज अदरक लहसुन सब चीजें हमने ली हुई हैं, सभी को एक साथ हम इसमें डाल देंगे, और पहले प्याज को हल्का सा हम भूनेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा प्याज का, तब तक हमें भूनना है। उसके बाद में हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, और प्याज देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है, अब इसमें ये टमाटर हम डाल देंगे, और टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक प्याज के साथ में ही हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। और जब टमाटर इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, बस फिर इसको ठंडा करके हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे ग्रेवी के लिए। और ये देखिए टमाटर भी बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब इसे ठंडा करके और इसका एक पेस्ट हम रेडी कर लेंगे। तो पेस्ट बना के हमने रख लिया है प्याज और टमाटर का, तो अभी हमें इसको बटर में हम बनाएंगे, तो थोड़ा सा बटर इसमें डालेंगे, साथ ही साथ ये जीरा इसमें ऐड करेंगे, और थोड़ा सा इसमें पिसी हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दी, साथ ही साथ कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, और बस उसके बाद में ये जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था ये हम इसमें डालेंगे, ये सारा पेस्ट हमने इसमें डाल दिया, और साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। तो ये हमने सेम जिस ग्राइंडर में हमने लिया था उसी में हमने
पानी लिया हुआ है और बस अब इसको इस तरह से स्टिर करके एक बार कुछ मसाले इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो अभी थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, साथ ही साथ नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा इसमें एक पिंच अभी गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा बाद में हम डालेंगे। और बस इस तरह से इसको मिला के और थोड़ा सा गैस हम मीडियम कर देंगे और मीडियम गैस पे इसको कवर करके 5 मिनट के लिए हम इस तरह से कवर कर देंगे और 5 मिनट बाद हम इसे ओपन करेंगे। और 5 मिनट बाद हम इसे ओपन करेंगे और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया एकदम ग्रेवी बन के रेडी हो गई है मशरूम के लिए। तो बस अब यहाँ पे इसमें ये जो शिमला मिर्च और प्याज हमने लिया होता है ये डाल देंगे और इसी के साथ में ये मशरूम भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और बहुत जल्दी मशरूम पक के रेडी हो जाता है, ज्यादा पकाना नहीं पड़ता। तो बस 2 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे, बस 2 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देते हैं। और बस 2-3 मिनट बाद इसे हम ओपन कर लेंगे और बिल्कुल बढ़िया देखिए कढ़ाई मशरूम बनके रेडी हो गया है। देखा मशरूम पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। और बस सबसे लास्ट में यहाँ पे सिर्फ 1 टेबल स्पून में क्रीम ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ 1 पिंच इसमें गरम मसाला, जैसा कि मैंने कहा था बाद में डालेंगे। और बस अब इसे थोड़ा सा हरा धनिया डाल के और हम सर्व कर लेंगे इसको, साथ ही साथ थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देते हैं। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया एकदम गर्मा गर्म कढ़ाई मशरूम बन के रेडी हो गया है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में, आप लोग जरूर ट्राई करें इसे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल इट डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही टेस्टी और मजेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।